वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। मैं सोच रहा था कहाँ SCO की, इस्लामाबाद की समट के कहाँ शहर बंद करना पड़े। दिस इज अनबिलीवेबल। देखें कि स्पैनिश PM जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्परस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल। इम्पोर्टेंट चीज ये, आपको पता है इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। लेकिन एक क्वाड अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का और ईरान, हम चारों का बन जाए तो ये एक मुस्लिम दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बना रहा है इन ममालिक में, और बड़ा मेथोडिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो भारत ने काफ़ी स्पेस बनाई है। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्परस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है, कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। हमने तो आज तक देखे ना, रोड शो की जब हम बात करते हैं तो हमें तो यही कि जी कोई सिंगर जो है, उस कोई बैंड है, उनका रोड शो हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रोड शो हो रहा है। कभी आप सोच सकते हैं कि देखे ना, ऑब्वियसली इसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि इंडिया के ही पड़ोस में अगर कोई लीडर वहां पर जाए, जैसे कि अभी ऐसी हुई, तो रोड शो के थ्रू जो है उनको ले जाया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन चलिए, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्लांट है, मिलिट्रीज प्राइवेट फर्स्ट प्लांट है ये, क्योंकि तो इसके ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत सी डिटेल सामने आ रही हैं। द टू लीडर्स देन लॉन्च द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, द मैन्युफैक्चरिंग हब व्हिच विल प्रोड्यूस द एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन टू बी डिप्लॉयड बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये हम आपको कुछ पिक्चर्स भी इसमें दिखा रहे हैं और इससे आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी सबमरीन्स की, लेकिन बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। सर, बात जो है ना वो उससे आगे निकल के यहाँ पर पहुंच चुकी है। और एयरबस से तो आप जानते ही हैं, वैसे ही इंडिया के जो है वो कुछ अरसा पहले सब खबरें जो चलती नहीं, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, तो ये अब आप देख लें, कड़ी है उसकी। अच्छा, सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है, मोदीज विजन टू टर्न इंडिया इंटू एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस एंड ए मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन। ये कहना था पेड्रो सांचीज का। दिस पार्टनरशिप बिटवीन एयरबस एंड टाटा विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड विल ओपन न्यू डोर्स फॉर द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, सेड पेड्रो सांचीज। द चेयरमैन ऑफ टाटा जो के नटन राज टाटा हेल्ड इट एज ए हिस्टोरिक डे फॉर द कंट्रीज डिफेंस सेक्टर एंड क्रेडिटेड द लेट रतन टाटा द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन हु डाइड अर्लियर दिस मंथ। इस वक्त टाटा को बहुत याद किया गया, रतन टाटा जी को बहुत याद किया गया और उनको कहा गया कि ये उन्हीं का है कारनामा, उन्हीं का काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ, पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन
4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं, और वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है, और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमओयू साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है, या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है, और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे, अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर, और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय हमें एक ऑडियो मैसेज जो था वो सुनना शुरू हो जाते थे, या वो चलना शुरू हो जाता था, वहां से प्ले हो जाता था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए, फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर लड्डू, जलेबियां, हलवा, इस तरह की चीजें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियां जो हैं वो जला रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया, उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज नॉट डिस्कस्ड पाकिस्तान, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा आया। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक, यू टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, TTP, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज के एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहां से उन्होंने शुरू किया। C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेंट डाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा, मैं अगर देखूं टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूं, बिकॉज जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो, तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए जफ़ी नहीं डाली। मैंने वैसे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ़ी डाली है कि नहीं डाली। मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो, उसने कहा यार मेरी जफ़ी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक करता। बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI। अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे, ठीक है। सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं, ठीक है। अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं, मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नजर आते हैं, ठीक है, होटल्स में भी नजर आते हैं वहाँ पे। सो वो पता कैसे चलता है, होटल के अंदर तो नहीं पता चलता कौन किधर जा रहा है, लेकिन जब सुबह नाश्ता हम करने जाते हैं तो वहाँ से फैमिली से पता चल रहा था हिंदी बोल रहे हैं,
या कोई इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, साढ़े पिंड देने, ठीक है। यूरोप के मुकाबले में एशिया भी एक पिंड है ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान। सो ये वो 2026 को ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अब इसमें देखें, पहले ही बूस्ट ले लिया, आना जाना, घूमना फिरना, ठीक है जी, फिल्म होगा, फेस्टिवल होगा, म्यूजियम होंगे, आर्ट होंगे, लिटरेचर होंगे। कितनी बदकिस्मती से बात है कि पहले हमारे नौजवान और घोड़े जंगों की रौनक होते थे, आज घोड़े भी शादियों पे नाच रहे हैं और हमारे नौजवान भी शादियों पे नाच रहे हैं। देखें अफगान, हम कैसे मजहब के तौर पे कैसे इकट्ठा करेंगे? अफगानिस्तान हमारे तराने के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, नेशनल एंथम पे वो नहीं खड़ा हुआ, हमने एहतजाज करवा दिया। लेकिन अगर मैं एज ए मुस्लिम सोचते तो उन्होंने सही किया, क्योंकि म्यूजिक हराम है दीन में। हम एज ए मुस्लिम इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम मुसलमान पे बात कर सकते हैं, हम उनको इस तरह नहीं इकट्ठा कर सकते। आप अफगानिस्तान वाले हो, हम पाकिस्तान वाले हो, वो ईरान वाले, हम इस तरह उनको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हम उनको दीन के नाम पे इकट्ठा करेंगे, दीन में जो चीज़ें हैं वो आप करें, फिर इकट्ठे भी हो जाए। आपने उनको स्ट्राइक दी, आपने उनके वजीर की तलबी की, आपने दफ्तर खारजा, अब कैसे आप इकट्ठा करना चाहेंगे? मतलब क्या चीज़ आप सोचना चाहेंगे, किस तरह हम दीन के नाम पे हम दीन के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं? ऐसी बात है, कौम आवाम भी देख रही, अगर मुसलमानों ने इकट्ठे होना है तो भाई दीन के नाम पे इकट्ठे होना है। जैसे इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, वो यहूदी लॉबी के तहत इकट्ठे हो रहे हैं, कोई उनके पर्सनल इतने ज़्यादा एक दूसरे के इंटरेस्ट नहीं है उनके आपस में, लेकिन वो यहूदी लोग। हम क्यों नहीं एज ए मुस्लिम इकट्ठे हो पा रहे? हम क्यों नहीं फिरका वारियत भूल रहे? हम क्यों ये कह रहे हैं कि ईरान वाले शिया हैं, पाकिस्तान वाले सुन्नी हैं, और सऊदीया वाले अहले हदीस हैं, अफगान वाले वो तबलीग वाले? हम क्यों इस चीज़ों से, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो होगा ना भाई? अगर ये चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी एज ए, हमने कौम नहीं बनना भाई, हमने उम्मत बनना है। कौम हम कौम ही नहीं बन पा रहे तो उम्मत कहाँ से हम बन जाएंगे भाई? हमें पाकिस्तान में पहले कौम बनना है, ईरान वालों को पहले कौम बनना है, अफगानिस्तान वालों को पहले कौम बनना है, मलेशिया को पहले कौम बनना है, टर्की को पहले कौम बनना है। टर्की तो मेरा ख्याल है 90% वैसे ही वो एज ए कौम है, वो तो है ही, उनकी नेशन बहुत तगड़ी है भाई, उसका आपने रिजल्ट आज से 4 साल पहले देख चुके हैं आप, वो बड़े बड़े इदारों से टकरा गए थे। इसी तरह हमें कौम नहीं बनना, दिमाग से निकाल दें ये बात, हमें उम्मत बनना है। हमें ये बॉर्डरों की सरहदों को भूल के हमें ऐसे उम्मत बनना है, मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। वो भी आपके साथ जो कुफार है, वो कुफार बन के ही आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देख ले अमेरिका में एक थोड़ा सा अटैक हुआ था तो किस तरह पूरी दुनिया ने मजम्मत शुरू, और जो बाइडन को नहीं पता चल रहा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, उसको इसराइल के 7 फौजी मरते हुए पता चल गया, उनको जन्म हासिल कर दिया गया, उनका उनको पता चल गया, लेकिन उनको फलस्तीन के बच्चों का नहीं पता चल रहा, जिनकी लाशें बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो हामला खातून नीचे दब गई हैं, जिनके पेट काटे गए, जिनके नौजवानों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई, उन्होंने यही तो चेक किया है कि मुसलमानों की तड़प कहां तक जा रही है। कश्मीर पे उन्होंने जुल्म करके देख लिया, उनका कोई मुसलमान नहीं उठने वाला, ये जानबूझ के वो टच करते हैं। कभी सूडन इस पर टच करता है, कभी नॉर्वे को हमें मुसलमानों को हिट करता है, कभी हम पे कनाडा हिट करता है, कभी इसराइल हम पे हिट करता है, ये चेक करते हैं कि मुसलमानों में कोई जज्बा है कि नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के अंदर तो बहुत जज्बा है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उम्मत मुसलमान के, जो लीडर बने बैठे हैं, इनके अंदर -0% भी नहीं है। क्योंकि एज ए हम मुस्लिम, क्या पहले किसी भी मुसलमान की कंट्री में देखें वो इस्लाम के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? हमें उनकी लाशें, हमें जवाब आज ही हमें नहीं देना पड़ेगा, हम बड़े खुल के बात कर रहे हैं, हमें सेकंड पे कौम को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान की कौम है, चाहे वो मलेशिया की कौम है, चाहे वो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रहे, इनको सेकंड पे आके जवाब देना पड़ेगा। पहले इन हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, इन इदारों के बंदों को जवाब देना पड़ेगा जिनके पास सारी ताकतें हैं, हम इनके इशारे पे चल रहे हैं। या हमें कहेंगे आज पाकिस्तान में ऐलान करें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज ऐलान कर दें और सुबह का सूरज हमें सारे को चमन बॉर्डर पर चढ़ेगा, करके देखें। हम तो तैयार हैं भाई, हमारे हम कलमा पढ़ने वाले, आप बुलाएं ला इलाहा इल्लल्लाह पे, हमें हम ना आए तो फिर अगर हम आए पाकिस्तानी आप बुलाएंगे, हम नहीं आएंगे। आप बुलाएं अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। आप टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाएं, आएगा टर्की भी आपके पास। लिबनान को बुलाएं, कतर को बुलाएं, पता चल जाएगा ला इलाहा के साथ कौन है और मुल्कों के साथ। जब इस तरह के मामला होते फिर सरहदें नहीं देखी जाती भाई, फिर उम्मत बनना पड़ता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। अब देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका अफ्तताह किया। अब देखें कि ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर जो है बिजनेस टू बी, जिसे बी टू बी कोलैबोरेशन हम कहते हैं, वो करने,
अब टाटा और एयरबस देखिए, उसने उठा के इंडिया ने टाटा को एयरबस के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। पहले तो अपनी जरूरियात पूरी करेंगे, फिर दुनिया की जरूरियात पूरी करेंगे। और ये जो टाटा ग्रुप जो है, देखिए यहाँ पे इंडिया ने आके काम किया कि उसने प्राइवेट सेक्टर को अब डिफेंस सेक्टर में डाला और उसको फिर दुनिया के साथ इंगेज किया। मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है। देखिए आज इंडिया की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, उसके लिए नए दरवाजे खोल गए हैं। अब यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो कहेंगे अच्छा स्पेन के साथ कर रहे हैं तो हम भी इसके साथ कर लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं, द इंडियंस यू नो दे हैव अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन, जिसे आप ये कह लें कि इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ठीक है, इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को रोड शो दिया गया गुजरात स्टेट के अंदर, वडोदरा जो है उसके अंदर उनको रोड शो दिया गया। मैं सोच रहा था कहाँ SCO की इस्लामाबाद की समिट के कहाँ शहर बंद करना पड़े और कहाँ गुजरात के अंदर, नॉट दिल्ली इज गुजरात, कहाँ गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक उनको जो है वो बैनर्स लहराए जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं दोनों लीडर्स। मतलब नरेंद्र मोदी जो है, मतलब ही इज डूइंग, मतलब नोबडी हैज डन टू क्रिएट द ऑप्टिक्स फॉर इंडिया व्हिच इंडिया इटसेल्फ इज डूइंग। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं, लोग डरते हैं। इंडिया के अंदर भी जारी बात है, मोदी साहब के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, होता भी है, लोग कंप्लेन भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जब एक ग्लोबल लीडर आता है, इंटरनेशनल लीडर आता है, तो इंडियंस देन सारी बात है करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है जी।